करते हैं हरुणाबाद से। तो नाजरीन, आज के जदीद दौर में रेल का सफर एक जिद्दत इख्तियार कर चुका है। तेज ट्रेन, लग्जरी ट्रेनें दुनिया भर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, मगर हरुणाबाद रेलवे ट्रैक अरसे दराज से बंद पड़ा है, जिससे हजारों मुसाफिर इस सहूलत से महरूम हो चुके हैं। तो दूसरी जानब रेलवे में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जाया पड़ी हुई है। रेलवे ट्रैक का मजीद हवाल बता रहे हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी अपनी इस रिपोर्ट में। भावनगर से हरुणाबाद रेलवे ट्रैक न सिर्फ सालाना हजारों मुसाफरों की आमदोरफ्त का जरिया था, बल्कि बॉर्डर लाइन होने की वजह से दफाई सामान की नकलो हरकत का भी एक मौसर जरिया था, जिसे आज से कई साल पहले महकमे की गलत पॉलिसियों के बाइस कसारे में जाने के बाइस बंद कर दिया गया था। ये ट्रैक बंद होने से जहां इलाके के लोग सस्ती आरामदायक ट्रांसपोर्ट से महरूम हुए हैं, वहीं भावनगर से फोटाबाज तक बने स्टेशन टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक खस्ता हाली का शिकार होकर नाकाबले इस्तेमाल होता जा रहा है, जबकि महकमे को इस ट्रैक के मुलाजमीन का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन अमले के क्वार्टर या तो बसीदा होकर गिर रहे हैं या मुख्तलिफ लोगों के कब्जा में है। इसी तरह रेलवे की करोड़ों रुपए की अराजी भी कब्जा माफिया के कब्जे में जा रही है। भावनगर, हरुणाबाद और फोटाबास की अवाम का वजीर आजम पाकिस्तान और रेलवे इंतजामे से पुरजोर मुतालबा के फोटाबास भावनगर रेलवे ट्रैक को लाहौर ट्रैक के साथ बजरिया आरफ वाला मिलाकर दोबारा चलाया जाए, ताकि करोड़ों रुपए का सामान तबाह होने से बच सके, साथ साथ इलाका की आवाम को एक सस्ता जरिया आमदरफ्त मुयसर आ सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद।